जय श्री राम फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी आए थे अयोध्या जन्मभूमि के पास, जन्मभूमि के मुख्य द्वार के पास, यह उद्देश्य कि शायद अंदर जाने दिया जाएगा आज भी। लेकिन आज देख लीजिए, आज 21 जनवरी है और आज यहाँ पे हज़ारों की संख्या में, कह लीजिए कि 500 से कम पुलिसकर्मी नहीं होंगे यहाँ पे, 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है। 3 लेयर में सुरक्षा किया गया है और किसी को भी अंदर यहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कोई भी आज आम आदमी जो है अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। सिर्फ यहाँ पे पुलिसकर्मी आपको यहाँ पे दिखेंगे, देख लीजिए, सिर्फ पुलिस के जवान आपको दिखेंगे, CRF यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन कोई भी आम जनता को अंदर जाने का परमिशन आज के डेट पे नहीं है। यहीं से देखिए, सभी को यहाँ से लौटा दिया जा रहा है, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं अंदर जाने का रिक्वेस्ट भी अगर कर रहे हैं तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, सभी को यहाँ से लौटा दिया जा रहा है। और इस तरफ अगर दिखाएं तो राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, देखिए सामने में दिख रहा है ना, इस तरफ आपको यहाँ पे आगे में मंदिर है, ठीक है, और इधर उधर जाने का रास्ता यहाँ से रास्ता है, एक वो भी रास्ता है, मेन जो रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया है, वहाँ से उधर से भी कोई नहीं आ सकता और ना ही इधर से कोई आ सकता है। देख लीजिए, यह हनुमानगढ़ी का रास्ता है, हनुमानगढ़ी टेम्पल होते हुए आप चाहें तो इस जगह पर आ सकते थे, लेकिन यहाँ भी पूरा पुलिसकर्मी तैनात है, उस गेट पर भी तैनात है। और मेन जो गेट है, वो सबसे मेन गेट है, जो 4 लाइन से जो कनेक्टेड है, वहाँ भी सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात है और वहाँ भी किसी को एंट्री नहीं दिया जा रहा है उधर से भी। तो देख लीजिए, पूरा पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा आज के डेट में। तो कल तो भूल ही जाइए कि अगर यहाँ पे आपको कल तो इस कैंपस में भी नहीं आने दिया जाएगा। और देख लीजिए, यहाँ पे और भी बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पे आ गए, अभी सभी को यहाँ से हटाया जाएगा। देख लीजिए, बहुत सारे सिर्फ यहाँ पे पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे, सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आएंगे, आम जनता का कोई प्रवेश यहाँ पे नहीं है, आम जनता का कोई यहाँ पे अलाव नहीं है, सभी को यहाँ पे हटाया जा रहा है। देखिए, जो VIP लोग वगैरह आ रहे हैं उनके लिए यह रास्ता जो खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स, बता दें कि आज 21 जनवरी और कल है 22 जनवरी, प्रभु श्री राम जी का कल होना है प्राण प्रतिष्ठा। तो कल के लिए बहुत ही पुख्ता तैयारी यहाँ पे कर लिया गया है, चारों तरफ यहाँ पे पुलिसकर्मी वगैरह तैनात है, अयोध्या के चप्पे चप्पे हर मोड़ पे आपको पुलिसकर्मी मिल जाएंगे, यूपी पुलिस मिल जाएंगे, यूपी के ATS मिल जाएंगे, सभी लोग यहाँ पे अपने अपने हथियार के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और पूरा सुरक्षा यहाँ पे दे रहे हैं। ये यहाँ का माहौल है और आज के डेट में लोगों का जो अलाव है वो नहीं किया जा रहा है अंदर जाने के लिए, अंदर तो छोड़ दीजिए, मुख्य द्वार पे अभी ठहरने भी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे सभी को यहीं से लौटा दिया जा रहा है। तो कल तो भूल जाइए, किसी को यहाँ पे प्रवेश भी मिलेगा, इस रोड में भी प्रवेश मिलेगा, इस रोड में भी किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा, कल मेन रोड से ही सारा कुछ बंद हो जाएगा। आज के लिए बस ये थोड़ा बहुत छूट है कि आप लोग इसके अंदर, मतलब ब्रांच रोड में आप घूम सकते हैं, मंदिर के आसपास घूम सकते हैं, लेकिन कल मंदिर के आसपास भी नहीं घूमने दिया जाएगा 22 तारीख के डेट में। देख लीजिए, सिर्फ प्रशासन है, सारे प्रशासन के लोग हैं, लेडीज़ जेंट्स सभी लोग हैं, सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर उपस्थित है चारों तरफ। ये मंदिर के बगल का रास्ता है जो कि हनुमानगढ़ी चला जाता है, ये सामने से इधर हम लोग आते हैं और कुछ चित्र दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए, UP ATS हाई सिक्योरिटी भैया, देख लो यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन का, किसी भी तरह का कोई अगर इंस्ट्रक्शन इनको मिलता है तो तुरंत ये लोग फॉलो करेंगे पूरे। देख लीजिए, हथियार से लैस है, गन से लैस है भाई, देख लीजिए, इनका अंगुली जो है ना ट्रिगर पे ही रहता है, इनका अंगुली ट्रिगर पे ही रहता है भाई साहब, देख लो ऐसा स्थिति यहाँ का, ऐसा माहौल है। सिर्फ आपको यहाँ पे आम जनता कम और पुलिसकर्मी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगे, इस रोड में आम जनता से ज़्यादा यहाँ पे पुलिसकर्मी आपको यहाँ में मिलेंगे अभी आज के डेट में। तो ऐसा कुछ व्यवस्था किया गया है यहाँ पे मंदिर के जस्ट यहाँ पे, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ना, ये अवामी, इसको कहते हैं अवामी राम मंदिर, ठीक है, जहाँ पे आप फ्री में भोजन कराया जाता है इस मंदिर के अंदर, इस भवन के अंदर, और यह संचालित किया जाता है पटना के महावीर मंदिर के द्वारा। तो ऐसा कुछ स्थिति है यहाँ का जो कि मैंने आपको दिखाया। चलिए, फिर अगले वीडियो में भी आपको और भी अच्छी तरीके से दिखाएंगे, जहाँ हम लोग जा पाएंगे और कुछ देखने लायक अच्छी तस्वीरें होंगे तो उसको भी हम लोग आप लोग के साथ लाएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल मंदिर के आसपास का मैंने दृश्य आपको दिखाया कि आज अभी 21 तारीख और लगभग 2:30 बज रहे हैं अभी के डेट में, और अभी का यह माहौल ऐसा है, अभी सारे द्वार जो है ना धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं, आज शाम से सारे द्वार बंद हो जाएंगे और आम जनता के लिए सभी द्वार जो है बंद हो जाएगा, सिर्फ जो VIP लोग हैं वो और प्रशासन के जो लोग होंगे वो, सिर्फ वही लोग इस कैंपस में, इस रोड में जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ वहाँ पे लोग चल पाएंगे। कल बहुत चांसेस है कि इस रोड में भी लोगों को नहीं आने दिया जाएगा, सिर्फ पुलिसकर्मी ही यहाँ पे आएंगे। देख लीजिए भैया, हर 10 डेग, हर 5 डेग, हर 2 डेग पे आपको यहाँ पे पुलिसकर्मी मिल जाएंगे।
ये रास्ता आगे चलकर 250-300 मीटर आगे हम लोग जाएंगे तो अभी दशरथ भवन आ जाएगा और उसके बाद फिर हनुमान गढ़ी आ जाता है। तो ऐसा यहाँ पे स्थिति है, देख लो। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करते जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर से ज़रूर लिखें। जय श्री राम।